अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम दिखाने जा रहे हैं बेबी के वो सारे गिफ्ट जो उसकी नानी की तरफ से आए थे, जो रिश्तेदारों ने दिए थे, जो उसकी फुफ्फियां लेकर के आई थी। तो वो सारी चीजें आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स थे कि अपनी जो बेबी के लिए गिफ्ट मिले हैं वो हमें दिखाओ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे गई थी। तो बस आशाबाजी ने जो गिफ्ट भेजा था वही खोल पाया था हम लोगों ने, उसके बाद सारे गिफ्ट जो है रख दिए थे। तो अभी फिर से ये वीडियो शूट करने के लिए भाभी से मेहनत करवाई है मैंने, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें जो उठा करके रख दी थी। तो अभी मैंने फिर से बोला कि चलो भाई अब दिखा देते हैं, जब बोल रहे हैं सब लोग तो चलो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो उसकी नानी के यहाँ से आए उसके लिए गिफ्ट। ठीक है, तो मुझे तो नहीं बताए लेकिन भाभी को बताया कि उनको कौन कौन से गिफ्ट आए थे, तो यहाँ पे वही बताएंगे। तो देखो भाई ये बड़े क्यूट क्यूट से लगते हैं बच्चों के कपड़े। हाँ, ये अभी 3 महीने तक आ जाएंगे, 3 से 4 महीने उसके बाद नहीं आ पा रहे लेकिन बहुत क्यूट लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, इसके साथ में ये नेकर लड़कियों के ज्यादा अच्छे लगते हैं। और कितनी प्यारी प्यारी प्यार स्वेटर उसकी रखी है, वो नहीं पहना उसने कभी। ये वाली बड़ी मेन की साइड से आए थे पीछे रखी है। अच्छा अच्छा, मेरी साइड से। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ही मैंने भी देखा था यहाँ पे सेम ऐसे ही, लेकिन उसका वो कलर था। लेकिन सारे फैब्रिक बहुत अच्छे हैं, मतलब बराबर कंफर्टेबल रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक भी कपड़ा उसको थोड़ा सा चुभे, सारे कपड़े बहुत कंफर्टेबल आए हैं। देखिए देखिए, ये भी बढ़िया नहीं, किसी के आता है चाची वगैरह भी आता है। अच्छा, तो भाभी के यहाँ पे जो है ना जॉइंट फैमिली है, सारे लोग एक साथ में रहते हैं, मतलब उनके चाची वगैरह बहुत सारे लोग हैं एक ही घर में रहते हैं। तो सब लोगों ने गिफ्ट भेजे हैं बेबी के लिए, तो ये नानी के यहाँ से आया है हुडी बहुत प्यारी लग रही, क्यूट सी तो ये तो बन जाएगा आराम से 5-6 महीने तक। ये देखो उसका निकल तो बहुत बड़ा आया है, पूरा ढक गया अभी तो छोटा सा है ना, तो उसको अभी कपड़े वही गिफ्ट पैक वाले जो कपड़े आते हैं वही बन रहे हैं, बाकी अभी नहीं बनेगा एक भी। लेकिन जब वो नानी के यहाँ जाएगा तो अच्छे से कपड़े पहन के जाएगा, वहीं तो जाएगा अभी। डांगरी ज्यादा डांगरी आई है ये देखो, ये भी क्यूट लग रही है, अच्छी लग रही है, कलर भी सारे हटके हैं सारे। हाँ, सारे ऐसे नहीं मैचिंग सारे, ज्यादातर सोचते हैं लड़कों के ब्लू कलर ले लो है ना, लेकिन सारे कलर बहुत सही आए हैं, ये भी सही है सॉफ्ट। हाँ, ये भी अभी बनेगा सॉफ्ट सॉफ्ट, थोड़ी सर्दी स्टार्ट होंगी ना उस टाइम पे मिल जाएंगे। मम्मास बॉय, ओहो मम्मास बॉय, नेकर में भी कुछ कुछ लिखा है ना, कितने हो गए। ये भी बहुत सिंपल सिंपल से लाए। हाँ तो सही है ना, अभी यही बनेंगे उसको, अभी तो वो पहनने वाला भी नहीं है बिल्कुल, अभी हो रहा है देखो बिल्कुल नहीं पहनती है, बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं, उसे वो टी शर्ट भी मैंने पहना दी थी उसमें भी वो यही कर रही थी। तो नानी के आगे सारे कपड़े हैं, मतलब उनकी चाची वगैरह ने सबने भेजे हैं, भाभी के लिए भी कपड़े भेजे हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी पहले बेबी के दिखा रहे हैं सारे। तो हाँ, ये हमारे चाचा लेकर के आए थे, देखो ये चाचा लेकर के आए थे पहाड़गढ़ से, और ये भी सब चाची लेकर आए थे, समीना चाची। हाँ, ये समीना चाची के कपड़े हैं, लोअर लोअर पहनेगा, उसकी नाइट ड्रेस कंप्लीट हो गई। देखो ये आए हैं, अब ये नहीं पता इस पे नाम भी नहीं लिखा है और ये कब दिया है मुझे ये भी नहीं पता है लेकिन आए गिफ्ट में ही है, ये भी कोई रिश्तेदारी देके गए होंगे। यहाँ जावेद भैया लेकर के आए थे है ना सूट, वो पहन लिया उसने ना, कुछ कुछ निकाल चुके हैं ना अपन लोग। हाँ, एक ये गिफ्ट है,
और ये हाँ ये बाबू लेकर के आए थे, ये भी अच्छे लग रहे हैं कपड़े, तो सारे सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े हैं। ये तो काफी बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, साल तक पहन लेगा वो है ना, काफी बड़ा है। सही है, बच्चे क्या है अभी छोटा है तो वो सोचते हैं कि जीरो साइज के लेके चले, लेकिन बड़े बड़े भी होने चाहिए, वो बाद में पहन सकते हैं। हाँ, एक ही साइज हो जाता है सबका। अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कपड़े। और देखे देखे लग रहे हैं मुझे कपड़े का, वो लेके आई थी विशाल कह रही है, सबो खाला के आए, एक अपन ने निकाल लिया था। हाँ, तो ये हमारी खाला लेकर के आई थी, ये साबुन खाला के कपड़े हैं शायद उनके तो नहीं है। हाँ वो भी दो जोड़ लेके आई है ना, शेर मामू के यहाँ से भी आए हैं, अलग कलर है, बढ़िया। और डांगरी काफी सारी आई है उसकी, मेरे को तो प्यारा लग रहा है ये। कौन सा वाला पहना के लेके जाओगी? कोई सा भी नहीं, इसको बहुत बड़ा रहेगा, नहीं ये नीचे से रहेगा थोड़ा सा। ये भी हमारी चाची लेकर के आई है, उसना चाची, बहुत प्यारा लग रहा है ये, सॉफ्ट भी बहुत है। थैंक यू चाची, वीडियो देख रही होगी तो। तो ये मैं लेकर आई थी, ये भी ये कैप कौन लेके आया था? बाजी, लवली बाजी है। और इसमें आशमा वाली के भी रखे हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे से, ये भी मस्त है, सॉफ्ट सॉफ्ट से। ये तो आने आएंगे थोड़े तीन तीन महीने में आएंगे। अच्छा ये तीन से छह की है। मैं 6 से 12 वाले लेके आई थी, सेम हो गए आपके, सेम है, मुझे नहीं पता था। अच्छा। हम दोनों एक ही साथ में शॉपिंग कर रहे थे तो सेम सेम आ गए, जब बाद में देखा तो बाजी भी ये लेके आई और मैं भी ये लेके आई, लेकिन मैं बड़ा साइज लेके आई, बस ये है। कपड़े इतने सारे हो गए हमारे बच्चे के पास कि अब हमें लेने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो तो है ना, लगता है मुझे भी ये चीज लगती है कि नहीं हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, हर हर दिन मुझे यही लगता रहता है जब भी मैं मार्केट जाती हूँ। तो ये आशोभा जी के यहाँ का है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छे लड़कों के तो आ जाते हैं ऐसे सॉफ्ट वाले, लड़कियों के भाई फ्रॉक फ्रॉक है ही, यहाँ वो लगती भी वही है, सिंपल उनके लिए ले लो तो अच्छी नहीं लगती। तो देखो ये वीडियो बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लग गई ना, पहले कपड़े निकाले फिर कपड़े रखेंगे, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और हमारे बच्चे के कपड़े कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे बताना कमेंट करके, ठीक। तो ये सारे कपड़े ये लवली वाली लेकर के आई थी, एक ये था, हाँ ये तो छोटा साइज है, डेली में उसको नए नए कपड़े पहनाना, नानी के यहाँ जाओगी ठीक है, डेली उसको नए नए कपड़े पहनाओगी तो अच्छा लगेगा। ये तो कच्चा जैसा लग रहा है, पहले कच्चे होते थे ना। अच्छा, बड़े बड़े लोग पहनते थे, बड़े लोग पहनते नेकर लॉन्ग लॉन्ग है ना। कितने दाम के हुई होंगी? 4 है, 5 टांग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, इसका भी कलर नहीं है। हाँ, नहीं कलर तो एक भी सेम नहीं आ रहा, सारे कलर अलग 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 कलर आ रहे, वो ये भी अच्छा लग रहा है। शेरवानी पहनेगा वो मामू की शादी में, काफी बड़ी है, तब तक तो शादी होगी तब तक बन जाएगा उसको। कोई एक रस्म में पहना रहा है मामू की शादी में, उनके नंबर है। ये भी बहुत बड़ा है, ये तो आराम से बनेगा उसको 2-2.5 साल में।
है ना, 2 या 2.5 साल में बनेगा इसको। सही सही साइज के लेके आई लवली वाली, एक बात है। इनको अपन उठा के बिल्कुल रख देंगे, बाद में देखेंगे। ये तो बड़े बड़े से हैं, लेकिन ये वाला निकाल देंगे, ये अलग रखना एक बॉक्स में। ऐसा बना लेना एक बॉक्स में बड़े 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 बड़े, हाँ। अभी पैक करके रख दें, छाट तो लिए ही है ना अपन ने, तो रख दीजिए ना सामने, तो बड़ा मजा आ जाएगा। चलो फोल्ड करवा लेते हैं। और हाँ, और चीजें तो दिखाएं, अभी इसको ऐसे ही रखें, अपन साथ में फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब तो नहीं रहेगा ना कपड़े, तो कपड़े सारे हो चुके हैं, कपड़े बहुत सारे आए हैं। और उसकी नानी के यहाँ से बेबी के लिए देखो, ये हाथ के कंगन आए हैं, दिखाती हूँ। ओह, ये तो नीचे ही डली है। ये है कंगन, लड़कों के ऐसे ही चलते हैं। ये कंगन है और ये हाय जो चलती है बच्चों के गले में, चांद सूरज चाकू, चाकू भी है उसके साथ में, देखो छोटा सा। तो ये पूरा ये बन के आता है, डिजाइन पास से निकालते हैं। ये पूरा ना बन के आता है, इसमें चांद सूरज हाय सारी चीजें होती हैं, चाकू। तो ये मतलब अलग से ना लेना पड़े चाकू वगैरह, तो इसलिए इसमें ही डला रहता है। तो इसको बोलते हैं क्या, कटला, कटला बोलते हैं इसको, ठीक है। ये उसकी नानी की साइड से आए हैं और भाभी के लिए आए हैं बिछिए। ये 4 बिछिए आए हैं भाभी के लिए, ये डिजाइन है इनका। ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक। और ये है लवली बाजी की साइड से बेबी के लिए छोटे छोटे हाथों के कंगन, ठीक है। ये लवली बाजी लेकर के आई थी उसके लिए। और ये 5 बर्तन नानी के यहाँ से, 5 चम्मच तो ये देखो। और ये 5 बर्तन आए थे हमारे छोटे बेबी के लिए उसकी नानी के यहाँ से। ये 5 बर्तन होते हैं, 2 कटोरी, एक में वो खीर खाएगा, एक में सब्जी, पानी पिएगा ग्लास में, चम्मच भी है, प्लेट भी है। तो ठीक है, पूरी थाली तैयार हो जाएगी उसके लिए। 6 मंथ में खिलाएंगे उसको खाना नानी के, हाँ इसी वाली थाली में खिलाएंगे उसको। तो ये है मच्छरदानी, ठीक है। मतलब पूरा एक गद्दा टाइप का होता है, ऊपर से नेट लगी रहती है तो बच्चों के लिए मच्छर ना काटे। और ये पूरा एक सेट आया था, ये भी उसकी नानी की साइड से ही आए हैं। और ये वाली तो आपने देखी है, ये लवली वाली लेकर के आई थी, ठीक है। अब बारी आती है भाभी के कपड़ों की, उनको रखते हैं साइड। भाभी के कपड़े और बॉबी भाई के कपड़े, और हाँ हमारे कपड़े जो है हमने रख दिए अंदर बहुत ज्यादा गहराई में, तो किसी दिन वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मतलब बेबी के और भाभी के और बॉबी भाई के कपड़े देख लो आप लोग, तो सबसे पहले दिखा रहे हैं बॉबी भाई के कपड़े जो कि उनके ससुराल से आए हैं। ये वाले आए थे, अच्छा ये पिंक का था शायद वो भी। तो ये बॉबी भाई के कपड़े आए हैं, अच्छे लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन बढ़िया है, हाँ। ये भाभी का सूट है, ये अच्छा लग रहा है, ये भी चल रहा है ना, और गंजा फैब्रिक वाला अच्छा लग रहा है, सिलवा लेना इसको। लॉन्ग भी है, पूरा लॉन्ग सिलवाना इसको, पटियाला और सलवार सिलवाना, छोटी मोरी, हाँ हाँ छोटी मोरी वाली, तो अच्छा लगेगा। दुपट्टा भी अच्छा है इसका, बड़ा भी है, अच्छा लग रहा है। उड़ के देखा ना, दुल्हन, हमने दुल्हन कैसे बना दी है देखो।
रो भी रहा होगा हमारा बेबी। ये उसने खाना भी टाइम से इसका भी दुपट्टा अच्छा लग रहा है, कलर भी सही है। तो ये भाभी की चाची की साइड से है ना, खाला भी लगती है चाची भी लगती है ना, दोनों ही रिश्ते हैं जैसे हमारी खाला के और चाची का रिश्ता। तो ये किसने भेजा है? ये नहीं, नहीं, खाला ने, उसने खाला। अच्छा अच्छा, तो ये भैया के हैं। मत खोलो ऐसी रहने दो, ज़्यादा वो हो जाएगी। तो ये भी चाची के यहाँ से आए हैं और ये देखो ये भी आ गया है बेबी, ये रो रहा था तो उसको लेके आ गए हैं। अच्छा जी हनीफा बड़ी अम्मी के यहाँ से, नाज़ा बड़ी अम्मी के यहाँ से। अच्छा अच्छा, ये एक और चाची हैं इनके यहाँ से। अच्छा फिनिश, ये भी अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला, ये बंदेज तो नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ गाइस, आप लोगों को हमने सारे कपड़े दिखा दिए हैं, कैसे लगे आप लोगों को कमेंट करके बताना, और आप लोगों की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। जो हम लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई बेबी के गिफ्ट्स दिखाना, तो आज फाइनली दिखा दिए हैं। और कमेंट्स करना कैसे लगे, कौन सा कपड़ा अच्छा लगा है, और बच्चे बच्चों के तो सारे ही कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। उनके क्या ही करें, इतने प्यारे लगते हैं ना छोटे छोटे कपड़े, क्यूट क्यूट से। तो बस अल्लाह ताला इसको पहनना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तुम कुछ बोलना चाहती हो, कुछ बेबी के लिए दुआ करो या कुछ तो खूब सारी दुआ देना भैया, उसके नसीब बुलंद करे अल्लाह ताला, और अपने ज़िंदगी में जो करना चाहे वो करे, है ना, अच्छे अच्छे काम, ऐसे नहीं अच्छे अच्छे काम। तो बस चलिए इस वीडियो का एंड हम यहीं कर रहे हैं, और ये देखो कपड़े लेके बैठ गए हैं। तो चलिए गाइस, फिर इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।